सीआई साहब ने तो खुद ही सोच लेनी चाहिए, अगर अपनी दूसरी जगह देख लो अपनी उरा कौन पारी पड़े। हम इस वक्त खड़े हैं खेतड़ी तहसील में, और खेतड़ी तहसील में लगातार एक बवाल मचा हुआ है। दो युवाओं को लेकर जो मारपीट की घटना हुई, उसके बाद सर्व समाज के लोग और जनप्रतिनिधि यहाँ पहुँचे हैं और आक्रोशित हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से पुलिस ने बेरहमी से उस युवक को पीटा है, वो युवक भी हमारे साथ है, वो पीटा था उसको लेकर काफ़ी बवाल है। सर्व समाज के जनप्रतिनिधि यहाँ पहुँचे हैं और जनप्रतिनिधियों में आक्रोश होना भी लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने पीटा उसके बारे में क्या कहेंगे? और आप उस वक्त कहाँ थे? मैं यहाँ पे था निजामपुर मोड पे, तो पुलिस वालों ने मेरे साथ के नाम से मारपीट की। सीआई साहब ने वहाँ पर रोक ले, बोले कहाँ जा रहे हो तुम? तो मैं बोला यहाँ पर जसरापुर छट्टी ग्राह में जा रहा हूँ। तो वहाँ पे के नाम मेरे को पकड़ के के नाम मैंने बात कराई सरपंच जी से, तो के नाम से सरपंच जी का फ़ोन काट कर और सीआई साहब मेरे मारपीट करने लग गई। तो मैंने पूछा उनको कि साहब मेरे को किस जुर्म में मारपीट कर रहे हो, मेरी क्या गलती की है? तो मेरे को कुछ नहीं पता, वो देने लगे। मैं बाइक पर थे, क्या आपने उस समय दारू पी रखी थी? पुलिस प्रशासन का ऐसा कहना है। दारू नहीं पी रखी थी हमने जिस टाइम में, और क्या नाम होता है, सीआई साहब ने तो दारू पी रखी थी, वो दारू के नशे में तो तेज लिए हमारी मारपीट की। तो क्या नाम होता है, उन्होंने मैंने बोला कि साहब मेरे को मार रहे क्यों हो? ना बोले बहन चो तुम बजरी माफिया हो, तुम पहलवान के दल्ले हो और वो और क्या। तो हमसे बात नहीं की कि ना होता पा, तो मतलब बेरहमी से पिटा जाना, मैं बेहोश हो गया। फिर उस बात के मायने हॉस्पिटल में ले गए, मेडिकल कराया, मेरे को पता नहीं। आपको पता नहीं आपका मेडिकल कहाँ हुआ? कुछ हुआ है, कुछ नहीं पता मेरे को। फिर आपको थाने में लेके आए? वापस थाने में लेके आए, फिर वापस थाने में लेके फिर हमको छोड़ दिया। हाँ, वहाँ पे के नाम खेतड़ी सिरानी से जमानती आए, तो वो जमानते थे छोड़, मोटरसाइकिल हमारी बंद कर दी 185। मैं सरपंच प्रतिनिधि, सरपंच तो मेरे घर वाली से भाई, और मैं उनको प्रतिनिधि हूँ। और के भारी ब्लास्टिंग वालों के, अवैध खनन वालों को रोक के एक गरीब आदमी को भारी पिटाई करके अत्याचार करके, इसमें कोई शाबाशी नहीं है। भलाई तो इसी में है, वो ही अधिकारी यहाँ पर कामयाब होता है जो कि भला काम करे। ऐसे पिटाई से और तीन स्टार के, यहाँ तो के नाम से चार चार स्टार और चाहे DIG हो IG हो, अवैध काम करेगा और अवैध खनन करवाएगा, उसके खिलाफ जनता आवाज उठाएगी। ये पुरना के जनप्रतिनिधि भी यहाँ पहुँचे हैं और उनका क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर? सर क्या कहना है आपका इसमें? देखिए, ये पीड़ित धर्मपाल आपके सामने बैठा हुआ है, क्षेत्र से हमारे खेतड़ी से प्रत्येक पंचायत से अलग अलग प्रतिनिधि आए हुए हैं। 1 तारीख को CI साहब ने, विनोद सागला ने मारपीट की, और उसके बावजूद वो मीडिया में आकर कहता है कि कुछ सरपंच और कुछ खनन माफियाओं के द्वारा ये यहाँ पे गलत काम किए जा रहे हैं। उनको हम बताना चाहते हैं, सरपंच जब हम सरपंच बने थे तो कोई उनकी कानून के बैठे हुए उस अधिकारी की देन नहीं है। ये 36 कौम के हमारी सभी लोगों ने हमें वोट दिया, मत दिया, तब हम सरपंच बने, उसकी खैरात में हम सरपंच नहीं बने। और हमारे लोगों की आवाज़ उठाना, हमारे पीड़ितों की आवाज़ उठाना, ये हमारा धर्म भी है और हमारा कर्म भी है, दायित्व भी है, और ये हम उठाते रहेंगे। और उसके पास में वो जो मुखवीर बैठे हैं, उनके द्वारा वो क्षेत्र में गलत काम करवाता है, हम उसको सीधा चेतावनी देके कहना चाहते हैं वो ये गलत काम करना बंद करे, मारपीट करना बंद करे, अन्यथा हम इसको लेके संघर्ष भी करेंगे, आगे आंदोलन भी करेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। ये समाज के, सर्व समाज के लोग यहाँ आए हुए हैं। पीटी का क्या कारण हुआ ये तो नहीं है कह सकते, बाकी इनको इतनी बुरी हालत पकड़ा और कह रहा है कि पहले की चोट थी, आप ही देख रहे हो इस तरह की चोट अगर कोई पहले की दसी तो होती है। ये तो निराधार जो अंग्रेजी को जैसा कानून बना रहा है, ये बहुत गलत है, इसकी हम बहुत बहुत निंदा करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, हम उसको निश्चित रूप से यहाँ से निकलवा के रहेंगे। और इस लड़के की लड़ाई भी हम पूरी लड़ेंगे, धर्मपाल की भी, चाहे हमें मानव अधिकार तक जाना पड़ जाए। जो ग्राम पंचायत की सरपंच है, चुना हुआ व्यक्ति है, ग्राम का अगर व्यक्ति ग्राम की समस्या का अगर समाधान सरपंच नहीं करेगा तो कौन करेगा? ग्रामीण जनता के साथ अन्याय अत्याचार होगा, उसके लिए सरपंच ही जाएगा और कौन नहीं जाएगा? जब सरपंचों के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा है तो आम व्यक्ति के साथ क्या होगा? फिर वो कह रहा है, आपके यूट्यूब पर कह रहा है
कि कुछ सरपंच थे, एकाध सरपंच था और वो उसमें आपके अब इलीगल गतिविधियों में संदिग्ध, ये सारे के सारे बैठ, ये सारे के बायोडाटा लिए जांच करवा दी, किसी प्रकार का केस मुकदमा किसी पर नहीं, और इस बच्चे पर भी किसी आज तक केस मुकदमा नहीं। अगर ऐसे भले लोगों के ऊपर ही संदेह होगा तो फिर जो यहाँ के बदमाश लोग हैं वो तो सरेआम घूम रहे हैं, धड़ल्ले से घूम रहे हैं, उनका तो वहाँ सम्मान होता है, मान होता है, और संबंधित जो जो व्यक्ति जो यहाँ पर सम्मानित व्यक्ति है उनका अपमान होता है। बड़ी दुख और बड़ी वेदना की बात है। हम इस लड़ाई को शांतिपूर्वक सर्व समाज को लेकर और इस तरह का अन्याय नहीं होने देंगे। हम अन्याय के खिलाफ है, चाहे सीआई साहब को कोई तमीज नहीं है, आम कोई आदमी की पहचान भी नहीं है इसको, और गलत व्यवहार करता है जायज उसके साथ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो कदम स्टार ऐसे नहीं लगा रखी है, तुम्हारी दादागिरी तार दूंगा। बेइज्जती करता है वो, जाने का कौन आदमी मने आप बताओ, कोई आदमी आज तक मैं तो थाने में जाने के लिए भी कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जाना पड़ता है किसी आदमी के काम के लेके। तो मेरे साथ तो गलत व्यवहार किया, उसका प्रूफ है ना, ब्रजेश साहब पूरे चेयरमैन है वो दे सकता है। मेरे साहब की बोतल इनके पास थी, सीआई साहब ये बोल रहे हैं। सीआई साहब आप प्रशासन को अलर्ट करते हो, आप सुचारू रूप से कानून व्यवस्था बनाए रखते हो, तो आप 12 बजे जब इसको पकड़ा तो इसके पास बोतल थी 12 बजे, तो 12 बजे बोतल कहाँ से मिली? ये आप ठेके तो 8 बजे बंद हो जाते, तो आपने व्यवस्था किस प्रकार की कर रखी है? आपने दिन दहाड़े ठेकेदारों से मंथली लेते हो और ठेके पूरी खुले रहते हैं, ब्लास्टिंग भारत ब्लास्टिंग पूरे क्षेत्र में हो रही है, उस पर आप कोई निगरानी नहीं हो, और एक जनप्रतिनिधियों पे आप आरोप लगा रहे हो कि एक वो खनन माफिया है, ये तो बता दो किसके पास तो लीज है, किसके पास नहीं है? आपकी कॉल डिटेल अधिकारी से, उच्च अधिकारी से निवेदन है कि सीआई साहब की कॉल डिटेल की जाए, तो उसमें 100 में से 80 आदमी खनन माफिया लगातार, और अपराधी जो बड़े अपराधी हैं अपने खेतड़ी के, वो डायरेक्ट लिंक उनके घर पे जाके खाना खाते हैं सीआई साहब, और इससे बड़े हमारे लिए शर्म की बात क्या होगी? एक जनप्रतिनिधि अपनी गांव के आवाज़ को ले जाता है तो उसको दबाने के लिए अपने कुछ ड्राइवर और कुछ राजनीतिक पॉलिटिक्स के आदमी ले जाकर, और वो उन पे जनप्रतिनिधियों पे आरोप लगाते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं वो सर्वे समाज का होता है।